हेलो फ्रेंड, देव ऑनलाइन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं BA BSc BCOM के। तो अब आप इस एडमिट कार्ड को किस प्रकार से निकालेंगे और आप इसमें नाम डालकर अपने एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं, आपको किसी फॉर्म नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो नहीं पड़ेगी। तो आपको फुल डिटेल्स में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कहाँ से आपको इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और इसके एग्जाम कब से हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर आपको जो है सर्च करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सर्च करना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा exam.mjpruonline.in। इस साइट का लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट विजिट कर पाओगे। तो आपको जो है इसे सर्च कर लेना है। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं सर्च। सर्च करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार से जो है विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको जो है यहाँ पर देखिए जो ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जो है क्लिक करना है 3 लाइन पर। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे वाला आपको दूसरे नंबर पर ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड एडमिट कार्ड 2019-20, इस पर जो है आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो फॉर्म नंबर और यहाँ पर स्क्रैपचर्ट कोड को फिल करना होगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए यहाँ क्लिक करें, टू फाइंड यूर फॉर्म नंबर क्लिक हियर। तो इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है क्लिक हियर पर। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना कॉलेज सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका कॉलेज हो। तो यहाँ पर सभी कॉलेज के नाम आ जाएंगे, आप अपना कॉलेज जो भी है वो सिलेक्ट कर लें यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर कोर्स ईयर में आपका BA BSc BCOM फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है वो सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पर जेंडर में आपको मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नेम डालना होगा जिसके नाम से आप जो है एडमिट कार्ड सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहले कैंडिडेट का नेम डाल दें, चलिए हम डाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमने कैंडिडेट का नेम डाल लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर इस कैप्चर कोड को जो है फिल करना होगा यहाँ लास्ट में। तो यहाँ पर हमने कैप्चर कोड को भी फिल कर लिया है और यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है। तो देखिए सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जितने भी उस यूनिवर्सिटी में इस नाम के स्टूडेंट होंगे उनका नेम आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फादर्स नेम और मदर्स नेम को यहाँ पर मैच कर लेना है, और इसके बाद आपको जो भी आपका यहाँ पर नाम हो तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे आगे फॉर्म नंबर। तो आपको क्या करना है, फॉर्म नंबर में से यहाँ पर आपको लास्ट के जो 6 डिजिट दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, इनको आपको जो है कॉपी कर लेना है या आप इन्हें नोट कर लें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसके 6 वर्ड को लास्ट के 6 आपको जो है कॉपी करना है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर जो कॉपी का ऑप्शन आ गया, कॉपी कर लेंगे हम। कॉपी करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, वापस आपको बैक उसी साइट पर आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ लास्ट में 2019-20 वाले एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर इस फॉर्म नंबर को जो है पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस कैप्चर कोड को डाल देना है यहाँ पर। तो देखिए हम इस कैप्चर कोड को डाल लेते हैं, यहाँ पर है 93R, चलिए इसे डाल लेते हैं। तो कैप्चर कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार से जो है सारी डिटेल्स आ जाएगी स्टूडेंट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, यहाँ पर फोटो आ जाएगा, इसके बाद BA BSc जो भी है क्लास आ जाएगी, देखिए ईयरली वाइज है मेल फीमेल जो है, और यहाँ पर आपको देखिए कॉलेज नेम यहाँ पर लिखा आ रहा है बरेली कॉलेज, इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का नेम लिखा आ रहा है यहाँ पर देखिए, और आपको यहाँ पर सारे आपके अपने एग्जाम के पेपर हैं वो आपको यहाँ पर देख लेना है, चेक कर लेना है। और यहाँ पर आपको देखिए एग्जाम डेट यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको 3 अप्रैल 2020, यानी कि 3 अप्रैल से जो है इनके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं, और टाइमिंग जो है वो 7 बजे से 10 बजे तक रहेगा। तो इस प्रकार से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एडमिट कार्ड, तो इस प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप प्रिंट कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को, या पर आप इसे सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं महात्मा ज्योति फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के। तो फ्रेंड,
उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।